हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिमा। फ्लेवर्स इन आशीष किचन में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए ग्लूटन फ्री गोभी के पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ। ग्लूटन फ्री आटा वो लोग यूज़ करते हैं जो वेट लॉस करते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। फाइबर कंटेंट अपनी डाइट में लेने से आपको भूख कम से कम लगेगी और एंड रिज़ल्ट आपका वेट लॉस हो ही जाएगा। मैंने इसमें ज्वार के आटे का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप ज्वार के आटे के साथ राजगिरा, किनोवा, रागी, इन सारे आटों को भी मिलाकर गोभी के पराठे बना सकते हैं। ग्लूटेन फ्री आटे से नॉर्मल रोटी बेलना बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो गोभी के पराठे तो बहुत दूर की बात है। मैंने इस वीडियो में आपको यही दिखाया है कि आप कोई भी पराठा कैसे बना सकते हैं ग्लूटेन फ्री आटे से। आप सिर्फ गोभी के ही नहीं, आप किसी भी स्टफिंग का आटा इजीली बना सकते हैं ग्लूटेन फ्री आटे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब बनाते हैं गोभी के पराठे, वो भी ग्लूटेन फ्री आटे से। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बारी देख लेते हैं। ये मैंने फूल गोभी ले ली है, इसे हल्का सा मीडियम बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये मैंने 2 कप जितना ज्वार का आटा ले लिया है। ये बारीक काट के अदरक ले ली है, बारीक कटा धनिया ले लिया है, बारीक काट के 2 हरी मिर्च ले ली है, 1 छोटी चम्मच नमक ले लिया है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला ले लिया है, 1 छोटी चम्मच अजवाइन ले ली है, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और थोड़ा सा पानी आटा गूंदने के लिए। चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें मैं फूल गोभी डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, मीडियम रखना है इसे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, 2 हरी मिर्च ली है मैंने, बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये क्वांटिटी बिल्कुल ठीक थी। अब डालेंगे इसमें 2 कप जितना ज्वार का आटा और इसे भी हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके ज्वार का आटा और गोभी इसे अच्छे से गूंद लेंगे। मैंने इसमें गोभी की स्टफिंग का यूज़ किया है। आप चाहें तो आलू, प्याज कुछ भी लेके आप स्टफिंग बना सकते हैं, मेथी, पालक कुछ भी लेके आप ज्वार के आटे का पराठा बना सकते हैं। मैंने सिर्फ ज्वार के आटे का यूज़ किया है क्योंकि ज्वार का आटा इंडिया में हर जगह बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ज्वार के आटे के साथ राजगिरा, रागी, बाजरा, ओट्स, आप इन सारे आटों को भी मिक्स करके पराठा बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी पराठा है। जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो ग्लूटेन फ्री आटे से बनी रोटियां सब्जी के साथ लगा के खाते हैं। क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा है तो इस आटे में गूंदने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा लचीलापन नहीं दिखेगा। इस आटे से रोटी भी टूटती है, इजीली बनती नहीं है, तो ये आटा थोड़ा सा टूटा टूटा ही दिखेगा। आपको इसे केयरफुली यूज़ करके रोटी बनानी है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं गूंदना है, ठीक ठीक होना चाहिए। तो चलिए अब रोटी बेलना शुरू करते हैं। मैंने ये तवा रख दिया है गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ हम इस आटे से रोटी कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ये मैंने एक जिप्पर बैग ले लिया है,
इस पे हम थोड़ा सा पानी हाथों को डिप करेंगे और इस जिपर बैग को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हाथों को जो गीला करेंगे बस वही डालना है। एक मोटा सा पेड़ा ले लेंगे, मीडियम साइज़ का, ना बहुत छोटा लेना है ना ही बहुत बड़ा लेना है। मीडियम साइज़ का पेड़ा लेकर हाथों से फैलाएंगे। अगर आपको लगे कि पेड़ा आपके हाथों में चिपक रहा है तो पानी में हाथ डिप करें दोबारा से, उसके बाद इसे फैलाएं। ये देखिए कितनी इजीली फैल रहा है। जितना बड़ा कर सकते हैं उतना कर दें। अगर आप थोड़ा सा मोटा पेड़ा लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से फैलेगा, लेकिन फैलाते फैलाते इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो जो ज़िपलॉक बैग है उससे ये उतरते उतरते टूट जाएगा। थोड़ा सा मोटा रखना है। ये देखिए ये कितने अच्छे से फैल गया है। अब गरम तवे पर इसे डालने का तरीका देखें। पहले बैग को उल्टा करें और धीरे 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 इस बैग से रोटी को छुड़ाएं। ये देखिए कितना इजीली निकल गया और मैंने रोटी डाल दी है। अब इस रोटी को लो से मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे सिकने दें। चेक कर लेते हैं एक साइड से सिकी या नहीं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हो चुकी है, शुरू हो गई है। मैंने हल्का सा इस पे देसी घी लगा दिया है। अब इस रोटी को पलट दें, उसके बाद इसे थोड़ा सा और क्रिस्पी कर लें। इस साइड पे भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे, बटर या फिर देसी घी। अब इसे दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। पलटे से इस तरह से प्रेस कर करके इसे अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हो गई है। ये देखिए ग्लूटेन फ्री आटे से कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी गोभी का पराठा बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी है और वेट लॉस भी करती है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है। ऐसे ही और भी रेडी कर लेते हैं, एक और रोटी बना लेते हैं। दोबारा से हाथ पे पानी लगाएं और ज़िपलॉक बैग पे अच्छे से पानी को फैला दें। एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लें। अब हाथों से फैलाएं इस पे। अगर लगे कि आटा आपको हाथों पे चिपक रहा है तो अपने हाथों को पानी में डिप करें, फिर रोटी को फैलाएं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है रोटी को, नहीं तो ये जिपलॉक बैग से इजीली नहीं उतरेगी। थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है। अब इसे भी तवे पे डाल देते हैं। ये देखिए धीरे 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 जिपलॉक बैग को निकालना है और इसे तवे पे डाल देंगे। लो से मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएं। ये थोड़ा सा टाइम लेती है क्रिस्पी होने में, पकने में भी टाइम लेती है। ये देखिए ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है दोनों तरफ से, थोड़ी सी सिक गई है। अब दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे, घी या फिर बटर लगाएंगे। और अब इसे अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। जितनी क्रिस्पी आपको पसंद है आप उतनी क्रिस्पी इसे कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर
हाई फाइबर कंटेंट वाली रोटीज़ खाएंगे तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। फाइबर कंटेंट लेने से भूख कम से कम लगती है, आपको आपका टमी फुलफिल फील होगा सारा दिन। ये देखिए, ज्वार के आटे से, ग्लूटेन फ्री आटे से कितनी अच्छी क्रिस्पी गोभी का पराठा बन के रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो आप इसे येलो बटर या फिर वाइट बटर के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे ही बाकी भी बना लेंगे। ग्लूटेन फ्री आटे से बने कोई भी पराठे या फिर सिंपल रोटी आप किसी भी दाल या फिर सब्जी के साथ रोज़ खा सकते हैं और अपने वेट लॉस को मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेस्टी, क्रिस्पी और हेल्दी ग्लूटेन फ्री गोभी के पराठे बन के रेडी हो गए हैं। आप इसे दही और अचार के साथ सर्व करें, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू।